हाय गाइस एंड वेलकम वंस अगेन। हमने अपने पिछले लेक्चर में कोड ब्लॉक को डाउनलोड एज वेल एज इंस्टॉल करना सीखा था। तो आज के लेक्चर में हमें कोड ब्लॉक के बारे में समझना है कि कोड ब्लॉक कैसे यूज़ होता है और हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है सी में। सो नाउ बिगिंस। तो अब हम ओपन करते हैं अपने कोड ब्लॉक को। अब हमारा कोड ब्लॉक ओपन हो चुका है, तो ये हमारी कोड ब्लॉक की स्क्रीन है। हमें कहाँ जाना है? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी हमें यूज़ करना है वो हम चूज़ कर लेते हैं। अभी हमें सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने चूज़ किया कंसोल एप्लीकेशन, देन गो नेक्स्ट। और फिर हमें चूज़ करना होता है हमें सी में प्रोग्राम बनाना है या सी प्लस प्लस में। तो मैंने यहाँ सी चूज़ किया। अब मुझे अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है। सो हमने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी। नेक्स्ट समझते हैं फोल्डर टू क्रिएट प्रोजेक्ट इन, कि हमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट कहाँ पर करना है। डेस्कटॉप पर ये स्टोर होगा और ये हमारी फाइल का नेम है और ये रिजल्टिंग फाइल नेम। तो हमने नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश। तो ये स्क्रीन आ गई। हमने गए सोर्सेज पे और मेन पे। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं सी में और उसे लाइन बाय लाइन समझेंगे कि वो लाइन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन आती है हमारे प्रोग्राम की हैश इंक्लूड और फिर ये दो ब्रैकेट्स। इसके अंदर हमारी आती है stdio.h। ये है क्या वो बताता हूँ। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और stdio.h एक हेडर फाइल। गाइज मैं सोच रहा हूँ पहले अपना कोड लिख देता हूँ और फिर लाइन बाय लाइन उसे समझा देता हूँ। फिर हमें लिखना होता है void main। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है? इन दो ब्रैकेट से। इसके अंदर हमें लिखना होता है प्रिंट एफ और जो भी हमें इसके अंदर लिखना है इन डबल कोट्स के, हेलो। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम तैयार है। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। सी गाइस, हमारे कंसोल पर प्रिंट हुआ हेलो। तो अब हम ये समझ लेते हैं हेलो प्रिंट कैसे हुआ। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये था। सबसे पहली लाइन क्या थी? हैस इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ हैस क्या है? पहला वर्ड हमारे प्रोग्राम का ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। गाइस हमारा कंपाइलर सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इसे ही ढूंढता है कि कहीं कहाँ पर हैस लिखा है। तो हमने पहली लाइन पे ही हैस लिखा था, तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले इसे ही एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। हैस हैस के आगे हमने लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। फिर हम लगाते हैं ये लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन और फिर लिखते हैं stdio.h। stdio.h एक हेडर फाइल है जिसके अंदर डिफाइंड है कुछ फंक्शंस जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिंट एफ टू प्रिंट एनी फॉर्मेट। ओके, क्या फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हैस क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो चीज़ होती है जो हमारा कंपाइलर सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड आता है इंक्लूड। ये एक रिक्वेस्ट है कि हम अपने कंपाइलर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए। सो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी हेडर फाइल को इन लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर क्यों लिखते हैं। गाइज रीज़न ये है कि जैसे हम ये लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं तो ये बताते हैं कि इसके अंदर जो भी हेडर फाइल है उसे जाके एक फोल्डर में जाके सर्च करें जहाँ पर भी सारी हेडर फाइल्स स्टोर हैं हमारे कोड ब्लॉक में। तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारी फर्स्ट लाइन का। अब हम इनको समझते हैं। ओके, सो पहला आता है हमारा void main। हमारी पहली लाइन यही होती, मतलब हमारी सेकंड लाइन होती है void main। गाइज ये एक फंक्शन है जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को बिगिन करते हैं हमेशा। इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं void, फिर लिखते हैं main जो कि एक फंक्शन है, और ये दो ब्रैकेट्स क्यों? ये बताते हैं कि मेन एक फंक्शन है।
अगर हम फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं। जब भी हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इन ब्रैकेट्स को लगाना कंपलसरी होता है, और ये ब्रैकेट्स ये बताते हैं कि इसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो एक फंक्शन है। ओके, फिर आते हैं ये दो ब्रैकेट्स। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। आई थिंक समझ आया हो। हमने यहाँ लिखा है void। अब ये void क्या चीज़ होती है? आप जानते होंगे void means मतलब होता है खाली, means कुछ नहीं। तो ये void ये बता रहा है कि हम इस function की help से किसी भी चीज़ को return नहीं कर रहे हैं। और वहीं अगर हम लिखते int main तो हमें किसी ना किसी value को return करना पड़ता। ये आपको आगे चल के आसानी से समझ आएगा तो ज़्यादा। फिर हम समझते हैं इस प्रिंट एफ को। गाइज, प्रिंट एफ क्या है? ये एक फंक्शन है। मैंने आपको बताया था हम stdio.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं सबसे पहले, तो ये फंक्शन वहीं पर डिफाइंड है। मींस अगर हम इस नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये फंक्शन यूज़ में नहीं आ पाएगा। इस वजह से सबसे पहले हम इस stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, और तब इस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़। ये प्रिंट एफ फंक्शन करता क्या है? ये किसी भी फॉर्मेट को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। क्या? प्रिंट द गिवन फॉर्मेट। जो भी चीज़ हम इस इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो हमारी कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। फिर आता है ये सेमी कॉलन। हम अपने प्रोग्राम में सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं? जैसे कि हमने प्रिंट एफ के बाद लगाया है, तो ये सेमी कॉलन ये बताता है कि हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पर हमने लिखा था हेलो अपने प्रोग्राम में, यस और नो, और फिर इसके बाद ये सेमी कॉलन। इन सेमी कॉलनों ने ये बताया अपने कंपाइलर को कि ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। सो गाइज, ये कुछ थी डेफिनेशंस हमारे पहले प्रोग्राम से रिलेट, कि हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं और इनका मतलब क्या होता है। और हाँ, जब भी हम किसी भी चीज़ को अपने प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं तो उन्हें हम डबल क्वोट्स के अंदर लिखते हैं। अगर हम इन डबल क्वोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा रामलाल, तो अब हेलो की जगह एज इट इज़ रामलाल प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसे रन किया, सी गाइस, यहाँ पर रामलाल प्रिंट हो गया है। विच मीन्स कि हम जो भी चीज़ इन डबल क्वोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ हमारे कंसोल पर प्रिंट हो जाती है। सो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ आया हो कि हम अपने प्रोग्राम में यही चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सारी सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।